ओम गण गणपते नमः। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2022 में संकट चौथ माही चौथ अर्थात तिल चौथ कब है। बंधुओं, क्योंकि माघ मास में आने वाली चौथ को माही चौथ, तिल चौथ और संकट चौथ भी कहा जाता है। बंधुओं, माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया या चतुर्थी तिथि को संकट चौथ कहते हैं। बंधुओं, वैसे तो साल में 12 चौथ आती हैं, पर संकट चौथ माही चौथ अर्थात तिल चौथ का बहुत अधिक महत्व है, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। बंधुओं, जो कि इस बार 2022 में 21 जनवरी को पड़ रही है। बंधुओं, 21 जनवरी को चतुर्थी तिथि सुबह 8:51 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 जनवरी को सुबह 9:14 तक रहेगी। इसलिए बंधुओं, यह व्रत 21 जनवरी को ही रखा जाएगा। बंधुओं, माघ के महीने में संकट चौथ का त्योहार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। संकट चौथ के व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत, जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा उपासना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का त्योहार है। कहा जाता है, संकट चौथ का व्रत विधि विधान के साथ जो मनुष्य भी रखता है, उसके जीवन में आने वाले सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश के जीवन पर सबसे बड़ा संकट आया था। प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को लड्डू, मोदक और दूर्वा अर्पित की जाती है। इस दिन गणेश स्तुति, गणेश चालीसा और संकट चौथ व्रत कथा का पाठ किया जाता है या सुना जाता है। बंधुओं, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि संकट चौथ के दिन चंद्रमा दर्शन का सही समय क्या है। बंधुओं, संकट चौथ के दिन बहुत ही शुभ योग बनने जा रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार संकट चौथ पर सौभाग्य के नाम का शुभ योग बनेगा। यह शुभ योग 21 जनवरी को दोपहर 3:06 तक रहेगा, फिर उसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। सौभाग्य के योग पर शुभ कार्य और पूजा करने पर हमेशा सफलता मिलती है। संकट चौथ पर अभिजित मुहूर्त का समय 12:11 से 12:54 तक रहेगा। बंधुओं, चंद्र दर्शन 21 जनवरी की रात को 9:05 पर होंगे। ऐसे में जो महिलाएं संकट चौथ का व्रत रखेंगी, वे पूजा के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए जल अर्पित करें और परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। बंधुआ, संकट चौथ की पूजा विधि अब मैं आपको बता रही हूँ। सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें, लाल वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति दोनों होनी चाहिए। पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी बताया गया है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें। पूजा के बाद रात में चांद को अर्घ दें, फिर फलाहार करते हुए या भोजन करते हुए व्रत का पारण करें। बंधुओं, जो मनुष्य भी संकट चौथ का व्रत करते हैं, उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः।
ओम गण गणपतये नमः, 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 ओम गण गणपतये नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।